गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो अभी मौसम बाहर काफ़ी अलग सा हो गया है। हवा तो नहीं चल रही, लेकिन थोड़े बादल वादल से छाए हुए हैं, तो होपफुली शायद बारिश आ जाए और हम बाहर घूमने चलेंगे आज। आज घर का खाना ही खाने वाले हैं, क्योंकि दो चार दिनों से ना ऐसा हो रहा है कि बाहर का खाना खाए जा रहे हैं, तो बहुत अजीब सा हो गया था स्टमक। और आज पानी भी आ रहा था थैंकफुली हमारे घर पर। तो यस, घर का खाना खाएंगे और फिर देखते हैं बाहर घूमने चलेंगे। और ये है मेरा कुछ आज का आउटफिट। सो दिस इज़ द स्कर्ट एंड दिस इज़ अ टैंक टॉप, दिस इज़ फ्रॉम जॉकी, जस्ट एक टैंक टॉप है, दैट्स इट। और उसके नीचे स्कर्ट थी और मैंने थोड़ा सा लिटिल बिट मेकअप कर लिया था। सो द ब्लश इज़ फ्रॉम बॉबी ब्राउन और आप देख सकते हो कुछ हाइलाइटिंग सा इफेक्ट भी दिया इसने। या दैट वॉज इट। तो चलो पहले खाना खाते हैं और फिर देखते हैं, बहुत बातें करते हैं। तो मेरे को ना आज पार्टी करने का मन कर रहा है और अभी मैं व्लॉग नहीं बना रही, इसमें जस्ट अपनी स्टोरीज आ रही थी इंस्टा पर, शायद इस पे कॉपीराइट आ जाए। पर मम्मी गई है बाहर वेडनेसडे मार्केट और हम दोनों पिक्चर देख रहे हैं अभी, मतलब पापा पिक्चर देख रहे हैं, मैं तो अभी अभी आई हूँ। कौन सी पिक्चर है, कौन सी? ये कौन सी पिक्चर है? ये मैंने नहीं देखी कभी, आपने देखी? ओके, तो मैं तो बाहर ही बैठी थी वैसे, बट बाहर बारात वरात चल रही थी। बारात तो नहीं दिख रही मुझे, ढोल दिख रहे हैं एक्चुअली, सच बताऊँ तो। तो मेरी मम्मा ने मेरे कहने पर यहाँ पर उन्होंने कुछ रखा हुआ था, तो मैंने उनको बोल दिया हटा दो इसे थोड़ा सही करेंगे, तो उन्होंने रख दिया। सो स्वीट, गुड जॉब। अभी मैंने उनको बोला कि प्लांट्स वगैरह अगर मिले तो देख के लेके आना वहाँ से, आर्टिफिशियल वाले होते ना। ओके, तो वहाँ है बारात और आज मैंने बहुत अच्छा ड्रेस पहना है, बट अब मेरा बाहर जाने का मन नहीं कर रहा, गर्मी है ना यार, तो मैंने थोड़ा मेकअप भी कर लिया था और ड्रेस भी पहनी थी और टेबल मैंने अंदर रखी हुई थी, अवॉइड करना शोर को, अगर आ नहीं पाएगी तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ, लेकिन तब भी अगर नहीं आ पाएगी तो मैं क्या कर सकती हूँ। और मैं बाहर अपनी चेयर पर बैठी हूँ और बहुत ही मस्त यहाँ पर फील आता है बैठ कर। कुछ और बोल रही थी मैं बोल रही थी हाँ कि मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई हूँ, पर मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, बाहर बहुत गर्मी है, तो अभी देखते क्या। एक ये चीज़ न्यू सी है जो मैंने अमेजोन से मंगाई है, अभी इसको वॉल पे लगाना बाकी है। तो जो मैं वो डोनट स्पॉट लाई हूँ ना, देखो इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो जो डोनट स्पॉट मैं लेके आई हूँ ना, वो कहाँ रखने के लिए, तो मैंने इसलिए ये मंगाया है। ये मुझे अमेजोन से पड़ा अबाउट 800 अप्रॉक्सीमेटली, इतना ही पड़ा था। इसको लगाएंगे वॉल पे, तब आपको एक्चुअली पता चलेगा कि क्या मस्त लगता है ये। ओके, तो जब हम वहाँ पे बैठे थे, मतलब अभी जब मैं आपको बॉक्स लगा रही थी, तो मैंने एक बहुत मजेदार सी चीज देखी, तो मैंने सोचा कि चलो दिखा देती आपको, और वो था मेरी मम्मी की शादी का लहंगा। यस, तो पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट रख लो। ये है मेरी मम्मी की शादी का लहंगा और कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है। ये मजेंटा कलर का है जो मैंने देखा था वहां पे, चलो इसे खोल के देखते हैं। बहुत भारी है भाई ये, सीरियसली बहुत भारी है ये। तो मैंने अभी ये कैमरा मतलब थोड़ा ऐसे करा हुआ है और मेरे को तो उसको उठाने में इतनी थकान हो रही है। तो ये इसका ब्लाउज है जो, तो आई डोंट थिंक अब मेरी मम्मा को आ पाएगा, तो जिससे प्लेन ब्लाउज है और यहाँ पर इसके ये वर्क किया हुआ है। तो ये है ब्लाउज और ये है लहंगा, मतलब मेरा चेहरा नहीं दिख रहा होगा आपको लोग को शायद, तो मैं थोड़ा बेंड हो जाती हूँ क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया ये वाला सीन। तो मैं आपको लहंगा दिखा देती हूँ। ओह, ये काफी भारी है पर ये बहुत सुंदर है, तो मैं थोड़ा क्लोजली भी आ सकती हूँ ताकि आपको पूरा दिख जाए इसका वर्क एंड एवरीथिंग। सो मेरी स्कर्ट है पीछे और ये है लहंगा। मुझे मिलने मोहब्बत आई है,
तो ये था लहंगा और वो मैंने आपको दिखाई दिया। अब इसकी चुन्नी देख लेते हैं। यार ये तो बहुत भारी भारी है, इतने भारी होते क्या? ओ भाई साहब, दिस इज सो डैम हैवी मैन, बट इट्स ब्यूटिफुल। और मेरी मम्मी, काश मैं ये वापस तह लगा पाऊँ, आई होप। तो ये है इसकी चुन्नी, ये भी मजेंटा कलर में ही है और बहुत ही प्रिटी चुन्नी है इसकी। यहाँ पर, यहाँ साइड में बॉर्डर्स में ऐसे काम हुआ है और पूरी मजेंटा कलर में, इतनी भारी चुन्नी है यार ये। यस, तो यही था लहंगा, अब मैं इसे तय लगा के रख देती हूँ मम्मी के आने से पहले। चलो, सो यहाँ से हमारे घर में भी काफ़ी शोर मचा है। अब यहाँ से मेरी किचन का लुक देख सकते हो, काफ़ी मज़ेदार से है। पापा बाहर बैठे हैं आराम से, और हमने, मैंने जैसे बोला था मम्मी पॉट्स लेने गई हैं, तो वो छोटे वाले पॉट्स लेके आ गई हैं। ये वाला ग्रीन यहाँ रख दिया था, ये रख दिया था, अभी थोड़ा सा अरेंज और कर लेंगे ढंग से। तो यस, अभी ये सब चीज़ें चल रही है। आप तो बस ठीक है, चलो भाई चेंज करते हैं, अब होने वाला है ऑफिस का टाइम। तो गाइस मैं और पापा तो पापा लेट आ लो। तो गाइस मैं और पापा तो आराम से लेटे हुए हैं, और आज का व्लॉग अब यहीं एंड करते हैं क्योंकि ऑफिस शुरू होने वाला है। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, बोल दो लाइक कर, ओके कर देना ठीक है। और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे हिट कर देना ताकि अगली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आती रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, आई लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय, आई लव यू टू, बाय।